रेडी। हाँ स्टार्ट है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं कामनी राजपूत आपके यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर में स्वागत करती हूँ। आज मैं कुछ आप लोगों को सेल्स के बारे में बताऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी कैटेड और अदरवाइज एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन हम देखिए, जैसे ये कोशिका है तो कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था, लेकिन इसके बाद में कोशिका की कल्पना भी रॉबर्ट हुक ने की थी, इसीलिए इन्हें कोशिका के खोजकर्ता बोला जाता है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जो जीवित कोशिका होती है हमारी, जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत कोशिका, जिन्होंने जिनको रॉबर्ट हुक ने देखा था वह होती है मृत कोशिका, जिसको सबसे पहले देखा था इन्होंने, इनकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? सेल थ्योरी किसने दी? कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत हमारा स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था। अगला क्वेश्चन, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? वो हमारी होती कोशिका। कोशिका को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आधुनिक कोशिका। आधुनिक कोशिका, आधुनिक कोशिका की खोज किसने की थी? आधुनिक कोशिका की खोज की थी श्वानसन ने। आधुनिक कोशिका की खोज श्वानसन ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा पादप कोशिका। अगला क्वेश्चन हमारा पादप कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में यही तो डिफरेंट होता है। जो पादप कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जो जंतु कोशिका होती है इसमें कोशिका कला पाई जाती है। इन दोनों में प्लांट सेल एनिमल सेल, इन दोनों में यही डिफरेंट होता है। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा, जिसे पीपीएलओ भी बोलते हैं। और थैंक्स, आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, और हम इसी प्रकार के आगे के लिए अगले वीडियो अच्छे अच्छे से बनाते रहेंगे आपके लिए। थैंक्स।